सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं जूम ऐप पे, टीचर्स को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, जैसे पहले टीचर स्टूडेंट्स को म्यूट कर देते थे और स्टूडेंट अपनी तरफ से ही खुद को अनम्यूट करके डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर देते थे, लेकिन अब अपडेशन के बाद स्टूडेंट्स टीचर की परमिशन के बिना खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टीचर ने एक ही क्लिक में सभी स्टूडेंट्स को कैसे म्यूट करना है और स्टूडेंट को खुद से अनम्यूट करने की परमिशन देनी है या नहीं देनी है, उसके लिए टीचर ने कौन सी ऑप्शन पे क्लिक करना है और कैसे क्लास को मैनेज करना है, ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट साइड पे मोबाइल है टीचर का मोबाइल एंड जो राइट साइड पे मोबाइल है वो है स्टूडेंट का मोबाइल। दोस्तों, जैसे ही टीचर जूम ऐप को ओपन करता है और आपने यहाँ पे अपने अकाउंट के साथ लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन कर चुका हूँ। मीटिंग पे क्लिक करना है। अगर आपने कोई मीटिंग को स्केड्यूल किया तो यहाँ पे स्केड्यूल मीटिंग शो होगी। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी मीटिंग मेरी स्केड्यूल नहीं है, तो मैं यहाँ पर्सनल मीटिंग ऐड के थ्रू मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, यहाँ पे मेरी मीटिंग स्टार्ट हो गई है। अगर आपके फ़ोन का माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा तो आपने कहीं पे भी क्लिक करके माइक्रोफोन को यहाँ ऑन कर देना है, और अगर कैमरा काम नहीं कर रहा तो आपने कैमरा को भी ऑन कर देना है। अगर टीचर के पास स्टूडेंट्स की वॉइस रिसीव नहीं हो रही तो या टॉप पे क्लिक करके स्पीकर को ऑन कर देना है। दोस्तों, अगर आपके पास कोई ब्लूटूथ डिवाइस है तो आपने स्पीकर पे क्लिक करके ब्लूटूथ डिवाइस भी यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगी। दोस्तों, स्टूडेंट को ज्वाइन करवाने से पहले टीचर ने सेटिंग्स कर लेनी है म्यूट अनम्यूट के रिगार्डिंग। तो टीचर ने मोर पे क्लिक करना है। मोर पे क्लिक करने के बाद मीटिंग सेटिंग पे क्लिक करना है। जब यहाँ मीटिंग सेटिंग पे क्लिक करते हो तो आपको सबसे पहले ऑप्शन मिलती है वेटिंग रूम को, अगर आपने ऑन रखना है या ऑफ रखना है। उसके बाद ऑप्शन मिलती है स्क्रीन शेयरिंग की, आपने पार्टिसिपेंट को स्क्रीन शेयरिंग के लिए अलाउ करना है या नहीं करना। आफ्टर दैट ऑप्शन मिलती है चैट की, आपने पार्टिसिपेंट को चैट के लिए अलाउ करना है या नहीं करना। उसके बाद ऑप्शन मिलती है रीनेम देमसेल्फ की, अपने स्टूडेंट्स को अपने एंड से नेम चेंज करने की ऑप्शन ऑन रखनी है या ऑफ रखनी है। दोस्तों, मेरी ये एडवाइस है कि आप इस ऑप्शन को ऑफ रखिए। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो स्टूडेंट पहले एंटर किसी और नेम से होता है और बाद में रीनेम करके मार्किंग स्टार्ट कर देते हैं, जिससे क्लास में डिस्टर्बेंस होती है। दोस्तों, उसके बाद ऑप्शन आती है अनम्यूट देमसेल्फ। अनम्यूट देमसेल्फ की ऑप्शन को अगर आप ऑन रखते हो तो स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो तो टीचर की परमिशन के बिना स्टूडेंट अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इस ऑप्शन को आप ड्यूरिंग मीटिंग भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं इस ऑप्शन को ऑन करने वाला हूँ। उसके बाद ऑप्शन मिलती है म्यूट अपॉन एंट्री। तो अगर आप पार्टिसिपेंट को ड्यूरिंग एंट्री म्यूट करना चाहते हो तो आपने यहाँ म्यूट पे क्लिक कर देना है। तो सभी पार्टिसिपेंट जो भी मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, जो भी स्टूडेंट मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, सभी पार्टिसिपेंट ऑटोमेटिकली म्यूट हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं दूसरे फोन से भी मीटिंग को ज्वाइन करूंगा। तो जब स्टूडेंट मीटिंग आईडी एंड नेम फिल करने के बाद मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलती है डू नॉट कनेक्ट टू द ऑडियो। अगर स्टूडेंट इस ऑप्शन को ऑन कर देता है तो स्टूडेंट की ऑडियो कनेक्ट नहीं होगी, और अगर स्टूडेंट मीटिंग को ज्वाइन करने से पहले टर्न ऑफ वीडियो कर देता है तो स्टूडेंट की वीडियो भी स्टार्ट नहीं होगी मीटिंग के स्टार्टिंग में। तो अभी मैं इन ऑप्शन को ऑफ ही रख रहा हूँ और अभी मीटिंग को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ स्टूडेंट फोन से। दोस्तों, फिर से ऑप्शन आ रही है ज्वाइन विद वीडियो और ज्वाइन विदाउट वीडियो, और टीचर ने स्टूडेंट को एडमिट कर देना है। जैसे टीचर स्टूडेंट को एडमिट कर देता है तो स्टूडेंट के फोन पे भी मीटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टूडेंट ने ज्वाइन विद ऑडियो पे क्लिक करना है एंड कॉल वाया ऑडियो डिवाइस पे क्लिक करना है और कॉल ऑडियो रिकॉर्ड को अलाउ कर देना है। अगर स्टूडेंट का माइक्रोफोन म्यूट है तो स्टूडेंट ने इस माइक्रोफोन को अनम्यूट कर देना है और स्टूडेंट की जो वॉइस है वो टीचर को रिसीव होनी स्टार्ट हो जाएगी। अगर स्टूडेंट को टीचर की वॉइस सुनाई नहीं देती तो यहाँ पे इस स्पीकर को ऑन कर लेना है। दोस्तों, ड्यूरिंग मीटिंग अगर टीचर पार्टिसिपेंट को म्यूट और अनम्यूट करना चाहता है तो टीचर ने पार्टिसिपेंट पे क्लिक करना है। टीचर ने पार्टिसिपेंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक ही क्लिक में सभी पार्टिसिपेंट को म्यूट करना चाहता है तो म्यूट ऑल पे क्लिक करना है। म्यूट ऑल पे क्लिक करने के बाद टीचर को यहाँ पे ऑप्शन मिलती है अलाउ पार्टिसिपेंट टू म्यूट देमसेल्फ।
अगर टीचर इस ऑप्शन को अलाउ रखता है तो स्टूडेंट अपने आप को यहां से अनम्यूट कर सकते हैं। अगर टीचर इस ऑप्शन को डिसेबल कर देता है और म्यूट ऑल कर देता है या किसी पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट को म्यूट कर देता है तो पार्टिसिपेंट यहां पे अनम्यूट नहीं कर सकेंगे। द होस्ट हैज नॉट अलाइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। और दोस्तों सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे चैटिंग की, अगर टीचर स्टूडेंट्स को चैटिंग अलाउ करनी है या नहीं करनी, तो यहाँ पे अभी ऑप्शन है चैट एवरीवन, ठीक है। तो अब स्टूडेंट किसी के साथ भी चैट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट यहाँ मोर पे क्लिक करते हैं, मोर पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट को यहाँ चैट की ऑप्शन मिलती है और स्टूडेंट किसी के साथ भी यहाँ पे चैट कर सकता है। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ चैट करना चाहता है तो स्टूडेंट ने यहाँ से सिलेक्ट करना है किसके साथ चैट करनी है, सभी की लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो स्टूडेंट यहाँ प्राइवेटली भी चैट कर सकता है। अगर टीचर इस ऑप्शन को डिसेबल कर देता है, नो वन, तो स्टूडेंट के फोन से भी उसी टाइम चैट डिसेबल्ड आ जाएगी। और अगर स्टूडेंट यहाँ से फिर से चैट करने की कोशिश करेगा तो फिर से स्टूडेंट को यही मैसेज शो होगा चैट डिसेबल्ड। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते हैं कि अगर हमें टीचर ने म्यूट कर दिया है और देमसेल्फ की ऑप्शन है उसे ऑफ है, तो हम कैसे अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि ये पावर सिर्फ होस्ट के पास है, सिर्फ ये टीचर के पास है। तो मेरे पास भी कोई मेथड नहीं है किसी को अनम्यूट करने का। अगर आपके टीचर ने आपकी जो चैट है वो डिसेबल कर दी है तो मेरे पास कोई मेथड नहीं है कि मैं आपको चैट में पार्टिसिपेंट करवा सकूं। तो ये तो सिर्फ आपके टीचर पे डिपेंड है कि आपको अलाउ करता है या नहीं करता। आप सिर्फ यहां से रेज हैंड कर सकते हो। जब आप रेज हैंड करते हो तो आपके टीचर को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट कुछ कहना चाहता है, ये स्टूडेंट की कोई क्वेरी है, ये स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम है। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपकी कोई जूम ऐप के रिलेटेड क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि आपके टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं आप उस टॉपिक पे वीडियो भी बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।